इस वीडियो में हम बात करेंगे 2008 की कॉमेडी फिल्म वेलकम टू द स्टिक्स के बारे में, जो कहानी है फिलिप नाम के आदमी की, जिसे शहर की नौकरी से हटाकर फ्रांस के एक ऐसे गांव में भेज दिया जाता है जिसे शहर के लोग नर्क मानते हैं, और उस गांव के पिछड़े हुए लोगों के बीच रहकर उसे समझ आता है कि शहर और गांव की जिंदगी के बीच क्या फर्क है। हेलो एंड वेलकम टू 90 प्रोडक्शन फिल्म्स एंड म्यूजिक। आई एम दीक्षांत एंड दिस इज इनसाइड अ मूवी। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। फिलिप अब्राम्स फ्रांस के एक हिस्से में पोस्ट ऑफिस मैनेजर का काम करता है और अपनी पत्नी जूली और बेटे रफेल के साथ रहता है। वो 11 सालों से गवर्नमेंट के लिए एक ऐसी जगह मैनेजर का काम कर रहा है जहां उसकी पत्नी को रहना पसंद ही नहीं, और अपनी पत्नी के चिड़चिड़े स्वभाव की वजह से वो वहां से निकलकर दूसरी जगह जाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा करने में उसका दोस्त जॉन उसकी मदद कर रहा है, पर क्योंकि उस नई जगह सिर्फ एक विकलांग को नौकरी दी जा सकती है, फिलिप का ट्रांसफर करवाने के लिए उसे ये झूठ कहना पड़ रहा है कि फिलिप एक विकलांग है, और वो फिलिप को दूसरों की नजरों से छुपाकर रखने की कोशिश करने लगा। कुछ दिनों बाद फिलिप के ट्रांसफर को मंजूरी मिल गई। वो इस बात की खुशी मनाने लगा, पर अगले ही दिन उसकी ऑफिस में एक इंस्पेक्टर उसके ट्रांसफर की जांच पड़ताल करने आया, और फिलिप उसके सामने एक विकलांग होने की एक्टिंग करने लगा। वो उस इंस्पेक्टर से सच्चाई छिपाने की पूरी कोशिश करने लगा। और ऐसा करने में वो कामयाब हो गया, पर जब वो इंस्पेक्टर वहां से निकलने लगा तो फिलिप का भांडा फूट गया। फिलिप को डर था कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है, पर जॉन ने बताया कि उसके साथ उससे भी बुरा किया जा रहा है। उसका ट्रांसफर 2 सालों के लिए एक ऐसी जगह किया जा रहा है जहां रहना उसके लिए नामुमकिन है, और जब ये बात उसने जूली को बताई तो उसने फिलिप के साथ उस जगह जाने से इनकार कर दिया। जिस जगह उसे जाना पड़ रहा है वो एक गांव है जिसे द स्टिक्स कहा जाता है, एक ऐसा शब्द जो शहर के लोग पिछड़े हुए इलाकों के लिए इस्तेमाल करते हैं और जहां लोग एक अजीब सी भाषा में बात करते हैं। उस इलाके के बारे में जानने के लिए फिलिप जूली के अंकल से मिलने गया, जो 10 साल की उम्र तक वही रहा करते थे और खुद भी अजीब तरीके से बातें करते हैं। फिलिप जितना उस जगह के बारे में जानने की कोशिश करने लगा उतना ज्यादा उस जगह से डरने लगा, और उस जगह की ठंड से वो और जूली ऐसे डरने लगे जैसे कि वो माउंट एवरेस्ट पर जा रहा हो। अगली सुबह वो ऐसे निकला जैसे कि किसी जंग पर जा रहा हो, और बिना मन के वो नॉर्थ की तरफ बढ़ा। रास्ते में पुलिस ने उसे रोका क्योंकि वो हाईवे पर गाड़ी बहुत धीमी स्पीड से चला रहा था, पर जब फिलिप ने उन्हें बताया कि उसका ट्रांसफर कहाँ हुआ है तो उन्होंने उसे जाने दिया और उसे हिम्मत रखने के लिए कहा। रात को वो उस इलाके में पहुंचा जहां उसका स्वागत तेज बारिश ने किया, और फिर उसकी गाड़ी के आगे एक आदमी आ गया। वो आदमी है एंटोइन, जो फिलिप की नए ऑफिस में काम करता है और उसे लेने आया है, और जिसकी बातें फिलिप को बिल्कुल समझ नहीं आती। जब एंटोइन उसे ऑफिस की दी गई जगह पर ले गया तो वहाँ एक भी फर्नीचर या सामान नहीं था, क्योंकि पिछला मैनेजर सारा सामान अपने साथ अपने घर ले गया, और इसीलिए एंटोइन फिलिप को अपने घर ठहरने के लिए ले गया। एंटोइन अपने घर में अपनी माँ के साथ रहता है, और फिलिप को उसकी हरकतों और उसकी तस्वीरों को देखकर लगा कि एंटोइन असल में गे है। अगली सुबह उसकी मुलाकात एंटोइन की माँ से हुई, जो एक गुस्सैल औरत है, और जिसके कहने पर फिलिप को वो सब कुछ खाना पड़ रहा था जो उसे पसंद नहीं। फिलिप पहले ही दिन वहाँ के लोगों से परेशान हो गया था और अपने ऑफिस के लोगों पर अपना गुस्सा निकालने लगा। एंटोइन को एनाबेल नाम की लड़की पसंद है जो उसके साथ उसी ऑफिस में काम करती है, पर एंटोइन की माँ को एनाबेल पसंद नहीं। सिर्फ एनाबेल ही थी जो साफ भाषा में बात करती है, इसलिए जब एक कस्टमर फिलिप से बात करने आया तो उसने उसे एनाबेल के पास भेज दिया। कुछ वक्त बाद फिलिप को उसके ऑफिस के लोग अपने साथ लंच के लिए ले गए, और तब उसे समझ आया कि ये जगह शहर से कितनी अलग है। तभी वहाँ एंटोइन भी आया, जिसने शराब के नशे में फिलिप का मजाक उड़ाया, और इस बात से फिलिप नाराज होकर वहाँ से चला गया। वो ऑफिस में सिर्फ दिन खत्म होने का इंतजार करता रहा, और दिन खत्म होने पर जब वो ऑफिस के दिए गए घर में जाने लगा तो उसे पता चला कि एंटोइन, फैब्रिस और यान अपने पैसों से उसके लिए फर्नीचर खरीद कर लाए हैं ताकि उसे किसी भी चीज की कमी ना हो। उनका शुक्रिया अदा करने के लिए वो उन सबको पास के शहर में एक रेस्टोरेंट में ले गया और उनसे उन लोगों की लोकल भाषा सीखने लगा।
उस भाषा की प्रैक्टिस करने के लिए उसने वेटर को उन्हीं की भाषा में ऑर्डर दिया, पर वेटर को कुछ भी समझ नहीं आया। देर रात घर वापस आने पर जब जूली का कॉल आया तो फिलिप ने बताया कि वो जैसा समझ रही थी ये जगह उतनी भी बुरी नहीं है, पर जूली उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं थी। और ऐसा होने पर फिलिप को उससे झूठ कहना पड़ा और ये कहना पड़ा कि यहाँ उसकी जिंदगी नर्क बन चुकी है। धीरे धीरे फिलिप को समझ आया कि यहाँ के लोग अच्छे और मददगार हैं और उसे यहाँ रहना अच्छा लगने लगा। जब यही बात उसने एंटोइन को बताई तो उसने कहा कि इस गांव की कहावत है कि यहाँ आने वाला दो बार रोता है, एक बार यहाँ आने से पहले और एक बार यहाँ से जाने से पहले। इसके जवाब में फिलिप ने कहा कि ऐसा उसके साथ कभी नहीं होगा क्योंकि वो इस जगह से इतना भी प्यार नहीं करता। दो हफ्ते बीत गए और फिलिप वीकेंड के लिए अपने परिवार के पास वापस जाने लगा। तब उसे पता चला कि एंटोइन उस गांव में अपने टैलेंट के लिए जाना जाता है और बहुत अच्छा म्यूजिक बजाता है। घर वापस आने पर जूली सोच रही थी कि उसका पति नर्क में जी रहा है और इसीलिए उसे वो प्यार देने लगी जो फिलिप को 11 सालों से नहीं मिला। और इसीलिए फिलिप ने बड़ा चढ़ाकर ये कह दिया कि वो जानवरों जैसे इंसानों के बीच रह रहा है और वो सारे लोग गवार हैं। दो दिनों बाद वो वापस उस गांव जाने लगा, पर इस बार वो जल्द से जल्द वहां पहुंचना चाहता था। वो उस गांव के हर इंसान के साथ घुल मिल गया था सिवाय एंटोइन की माँ से, जिनसे हर कोई डरता है। एंटोइन कभी कभी शराब के नशे में रहता है और फिलिप समझने लगा था कि ऐसा क्यों है। एंटोइन को एनाबेल का उसके बॉयफ्रेंड के साथ रहना पसंद नहीं था और एक दिन उसकी उस लड़के से लड़ाई भी हो गई। तब एनाबेल ने बताया कि वो और एंटोइन एक साल तक रिलेशनशिप में थे, पर एंटोइन ने उसे छोड़ दिया था। उसकी माँ उसे कंट्रोल करना चाहती थी और ये बात एनाबेल को पसंद नहीं थी, पर जब वो एंटोइन की माँ के खिलाफ खड़ी हुई तो एंटोइन ने उन दोनों में से अपनी माँ को चुना। ये सारी बातें जानने के बाद फिलिप एंटोइन से मिला और उसे समझाया कि उसे अपनी माँ से बात करनी चाहिए और अपने फैसले खुद लेने चाहिए। उन दोनों की बातें होने के बाद एंटोइन ने उसे अपने साथ म्यूजिक सिखाया और उसे सीखते हुए पूरे गांव ने देखा। एंटोइन की शराब की आदत छुड़वाने के लिए जरूरी था कि वो उन कस्टमर्स को ना कहे जो उसे अपने घर पर शराब ऑफर करते हैं, और इसीलिए इस बार फिलिप उसके साथ डिलीवरी करने गया। पर एंटोइन को ना कहना सिखाने की जगह वो खुद उन्हें ना नहीं कह पाया और एक एक कर हर कस्टमर के घर शराब पीने लगा, और वो दोनों शराब के नशे में पूरे गांव में चिट्ठियां पहुंचाने लगे। वो दोनों इतने नशे में थे कि जहां चिट्ठी पहुंचानी भी नहीं थी वहां सिर्फ शराब पीने चले गए। और फिर फिलिप को नशे में साइकिल चलाते देख पुलिस उसके पीछे पड़ गई और उसे गिरफ्तार कर लिया। साथ ही उन्होंने एंटोइन को भी गिरफ्तार कर लिया। फिलिप ने गलती से जूली को कॉल कर दिया, जिसे ये लगने लगा कि उस गांव के लोगों ने फिलिप को शराबी बना दिया है, और इसीलिए उसने अपने काम से छुट्टी लेकर फिलिप के साथ उस गांव में जाने का फैसला किया। पर क्योंकि फिलिप ऐसा नहीं चाहता था, इसलिए उसने नाटक करके हाईवे पर अपनी गाड़ी का एक्सीडेंट कर दिया। ऐसा करने से पुलिस उसकी गाड़ी ले जाने लगी और उसे अकेले ट्रेन से अपनी पत्नी से पहले वहां पहुंचने का मौका मिल गया। वहां पहुंचने पर उसने सबसे सारी सच्चाई कह दी और कहा कि उसकी पत्नी वहां आने वाली है, जिसे ये लगता है कि वो जंगली लोगों के बीच काम करता है। और ये झूठ उसने इसलिए कहा क्योंकि इससे उसकी पत्नी को डिप्रेशन से बाहर आने में मदद मिल रही है और फिलिप को पहले से ज्यादा प्यार मिल रहा है। ये सारी बातें जानने पर वो सारे लोग उससे नाराज हुए और वहां से चले गए। पर जब वो जूली को लेने स्टेशन पर गया तो वहाँ अचानक वो सारे लोग आ गए और पागलपन का नाटक करने लगे, जिससे फिलिप की झूठ में वो उसकी मदद कर पाए। इतना ही नहीं, जूली को डराकर वो लोग उसे उस गांव के पुराने हिस्से में ले आए जो उनके असल गांव से बहुत दूर है और जहाँ अजीबो गरीब लोग रहते हैं। उस गांव को अपना गांव बताने के नाटक में हर कोई फिलिप की मदद कर रहा था और उनके इस नाटक को देखकर फिलिप भी हैरान था और जूली बुरी तरह डर गई थी। उन लोगों की इतनी सारी मेहनत के बावजूद वहाँ से जाने की बजाय जूली ने वही रुककर अपने पति को सहारा देने का फैसला किया, जिससे उन सब का प्लान उल्टा पड़ गया। अगली सुबह एंटोइन ने फिलिप से कहा कि उसे अपनी पत्नी को सारी सच्चाई बता देनी चाहिए, जिसके जवाब में उसने कहा कि अगर एंटोइन अपनी माँ से बात करेगा तो वो अपनी पत्नी को सारी बातें बता देगा। पर जब तक वो जूली को सारा सच बताने गया, तब तक वो वहाँ से फिलिप की ऑफिस ढूंढने निकल गई थी और उसे रास्ते में एक आदमी ने बता दिया कि असली गांव वहाँ से दूर है और अपने साथ उसे असली गांव ले गया। जूली को ढूंढते हुए जब वो लोग पोस्ट ऑफिस पहुँचे तो फिलिप को पता चला कि जूली सारा सच जान चुकी है और वापस अपने घर जाना चाहती है।
एंटोइन ने अपना वादा पूरा किया और अपनी माँ के पास गया। उसने उनसे कह दिया कि वो एनाबेल से प्यार करता है और उससे शादी करके एक नए घर में रहना चाहता है। इसके जवाब में उसकी माँ ने कहा कि वो सालों से एंटोइन के मुँह से ये बात सुनने का इंतजार कर रही थी और चाहती थी कि जल्द से जल्द वो खुद के फैसले लेना शुरू करे। एक तरफ जहाँ एंटोइन को वो मिल गया था जो उसे चाहिए था, तो दूसरी तरफ जूली फिलिप से दूर चली गई थी। एंटोइन ये जानकर खुश तो था कि उसकी माँ उसे एनाबेल के साथ खुश देखना चाहती है, पर उसे डर था कि एनाबेल उससे अब प्यार नहीं करती, और इसीलिए फिलिप ने उसकी मदद की और देर रात एनाबेल को अपने साथ उस जगह ले आया जहाँ एंटोइन ने एनाबेल का मन पसंद गाना बजाकर शादी करने के लिए प्रपोज किया, और बिना वक्त गवाए एनाबेल ने हाँ कर दी। वहाँ से फिलिप सीधे जूली के पास गया और अपने शहर पहुंचकर उसने उससे माफी मांगकर अपने साथ उस गांव में रहने के लिए बुलाया, क्योंकि वो लोग चाहे जहाँ रहे अगर साथ रहेंगे तो ही खुश रहेंगे, और जूली ने उसकी बात मान ली। एंटोइन और एनाबेल की शादी हो गई और फिलिप अपने परिवार के साथ उसी गांव में रहने लगा। पर 2 साल बीत जाने के बाद अचानक एक दिन फिलिप के लिए एक मेल आया जिसे देखकर वो बिल्कुल खुश नहीं था। उसका फिर से शहर में ट्रांसफर कर दिया गया था और उसके वापस जाने का वक्त आ गया था। अंत में जाने से पहले फिलिप ने एंटोइन का शुक्रिया अदा किया, और तब उसकी कही बात सच हुई कि हर इंसान उस जगह आने से पहले और वहाँ से जाने से पहले रोता है। और जाते जाते फिलिप ने वादा किया कि छुट्टियों में वो उस गांव में आता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कॉमेंट जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।